गाइस वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आज मैं आपको कटिंग से उगने वाले प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ कि इस सीज़न में हम कौन कौन से परमानेंट प्लांट हैं जिन्हें कटिंग से तैयार कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत डेजी के इस ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ। हाँ तो गाइस, सबसे पहले ये परमानेंट प्लांट है अपना मैरीगोल्ड। इसे आप पूरे समय अपने गार्डन में बनाए रख सकते हो, टाइम टू टाइम इसकी कटिंग तैयार करके। तो इस वक्त आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए, ये मैंने एक बहुत ही छोटी सी कटिंग लगाई है जो लग गई है, और इसके अंदर देखिए ये दो बड भी निकल आई है। तो इस तरह से आप मैरीगोल्ड की कटिंग लगा कर इसे 12 महीने अपने गार्डन में बनाए रख सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है ये कनेर, देशी वाला कनेर है ये, और इसके येलो फ्लावर्स आते हैं। तो इस वक्त आप इसकी टिप वाली कटिंग, इतना कटिंग ले सकते हैं आप, और इसे मिट्टी में दबा करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये हाइब्रिड कनेर है, तो इस वक्त आप इन्हें भी ला सकते हैं अपने किसी भी फ्रेंड के यहाँ से, या ये रोड साइड भी काफ़ी उगे हुए होते हैं, तो वहाँ से आप इनकी 5 इंच की एक स्टेम कट करके लेके आएं और कटिंग लगाकर अपने गार्डन में फ्री में इसे भी ऐड करें। इस लिस्ट पे नेक्स्ट प्लांट है कैना लिली। तो कैना लिली, चाहे वो रेड हो या ग्रीन, इसे भी आप इस समय अपने गार्डन के अंदर इसकी साइड से जो बेबी प्लांट निकलते हैं उन्हें आप अलग अलग डिवाइड करके उनसे नए प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी जड़ों में से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, आप इन्हें अलग करें और बहुत सारे कैना लिली के प्लांट जो हैं अपने गार्डन में ऐड करें। इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है टिकोमा ट्री। टिकोमा भी कई कलर्स में पाया जाता है, ऑरेंज, पर्पल, तो इसके फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और पूरे समर्स के अंदर इसके अंदर काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है। देखिए, ये मेरे प्लांट के अंदर अब बर्ड्स बनने लगी हैं इसके अंदर, और अब ये पूरे समर जो है फ्लावरिंग करता रहेगा। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये भी। इसकी भी आप टिप वाली कटिंग लगा करके इसे भी अपने गार्डन में फ्री में ऐड कर सकते हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है दिन का राजा। देखिए, इस वक्त इस पर ये सीड्स बने हुए हैं। ये सीड्स के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है, साथ ही आप इसकी 5 या 4 इंच की कटिंग लेकर के टिप वाली कटिंग, और इसे मिट्टी में दबाएं और इससे भी न्यू प्लांट तैयार करें। इसके अंदर रात रानी से मिलते जुलते फ्लावर्स आते हैं जो कि दिन के समय खिलते हैं और बहुत ही खुशबू देते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है रोज़। रोज़ की भी इस वक्त आप कटिंग लगा सकते हो। बारिश के मौसम के अंदर इसकी कटिंग बहुत अच्छी चलती है, और इस वक्त भी अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपको 100% इसके अंदर सक्सेस होगी आपकी कटिंग। तो रोज़ की कटिंग भी आप ज़रूर लगाएं, क्योंकि रोज़ तो फूलों का राजा कहलाता है, और सभी पुष्प प्रेमियों के इसके फूल जो हैं बहुत ही पसंद आते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम का सीजन जो है अब समाप्ति की ओर है, तो आपके यहाँ पर भी फ्लावर्स दे चुका होगा ये। तो आप अब इन्हें नीचे से 3 इंच का छोड़ करके बाकी का कट कर दें, और उस कटिंग्स को आप नए किसी पॉट के अंदर लगा दें। 50% आपकी कटिंग्स जो है वो सक्सेस हो जाएगी, और इसके नीचे से जो शूट्स निकलती है मिट्टी के पास से, वो अगर आप खींच करके निकालें, और अगर उसमें थोड़ी बहुत भी रूट बनी हुई हो, तो उसे लगाने पर 100% जो है इसकी कटिंग सक्सेस होती है। देखिए, मैंने ये इस प्लांट से
ये एक कटिंग इसके अंदर लगाई है, जिसे अभी सिर्फ 8 से 10 दिन हुए होंगे और ये मेरा एक नया प्लांट तैयार हो गया है, जो नेक्स्ट मंथ के अंदर ही फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये वंडरिंग जू। वंडरिंग जू के अंदर एरियल रूट्स भी निकलती है, साथ ही इसकी 3-4 इंच की कोई भी स्टेम लेकर के आप मिट्टी में हल्का सा दबा दें और इससे आप नए पौधे प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही कलर ऐड करता है ये आपके गार्डन में, और लो मेंटेनेंस प्लांट है और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। साथ ही हैंगिंग बास्केट के अंदर भी इसे लगाकर गार्डन की सुंदरता को बढ़ाएं। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है चंपा। ये हमारा एल्बा चंपा है और इसे मैंने कटिंग से ही लगाया था, तो इस वक्त आप इसकी कोई भी स्टेम लें और उसे मिट्टी में दबाकर उसे भी एक नया प्लांट तैयार करें और समर्स के अंदर ढेरों इससे खुशबूदार फूल प्राप्त करें। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये कैलनचुई का। ये देशी कैलनचुई है, इसके स्टेम कटिंग बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है, साथ ही नीचे से जो बेबी प्लांट निकलते हैं इन्हें भी आप डिवाइड करके और उनसे बहुत से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस पॉली बैग के अंदर मैंने इस देशी कैलनचुई की कटिंग्स लगाई हैं और सारी की सारी कटिंग्स जो हैं वो अच्छे से चल रही हैं और हेल्दी प्लांट इसके बन चुके हैं। देशी कैलनचुई के साथ ही आप इस वक्त हाइब्रिड कैलनचू को भी लगा सकते हैं और नए नए इसके प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि जब ये फ्लावरिंग नहीं भी देता है तो इसकी लीव्स इतनी ब्यूटीफुल होती है कि ये प्लांट हमें बहुत ही सुंदर लगता है। इसके अलावा गाइस, आप लगा सकते हैं इस वक्त वंडरिंग जू। ये देखिए, मैंने भी अपने सारे पुराने प्लांट्स जो हैं वो हटा दिए हैं पॉट में से और इनके साइड से जो बेबी प्लांट्स निकलते हैं उन सब को मैंने अलग से इस नर्सरी बैग के अंदर लगाया है और ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो अच्छे से चल रहे हैं। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है बेबी सनरोज। बेबी सनरोज की भी आप 4 इंच या 3 इंच की कोई भी स्टेम को टिप से कट करें और उसे मिट्टी के अंदर लगा दें और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट तैयार करें। इसकी लीव्स इतने शाइनी होते हैं कि बेहद खूबसूरत लगते हैं, साथ ही जब इस पर फ्लावर्स आते हैं तो इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है ये हिबिस्कस की प्लांट। हिबिस्कस चाहे देशी हो, चाहे वेरिकेटेड हो, चाहे चाइनीज हो, ये देखिए, ये मेरा चाइनीज हिबिस्कस का प्लांट। तो किसी भी तरह की हिबिस्कस हो, आप इसकी इस वक्त टिक वाली 4 इंच की कटिंग लेकर के उसे मिट्टी में दबाएं और न्यू प्लांट तैयार करें। देखिए, ये मेरे हिबिस्कस की कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट हैं और जिनके अंदर भी अब बर्ड्स आ चुकी हैं और ये समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं। हिबिस्कस परमानेंट फ्लावर है और इसकी फ्लावर्स बेहद खूबसूरत होते हैं, साथ ही इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, तो आप अपने गार्डन में इसे ज़रूर ऐड करें। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है ये गिलोय का। गिलोय अभी डॉर्मेंसी में गई हुई थी हमारे यहाँ, तो इसके लीव्स सारे झड़ चुके थे और अब देखिए इस पर अब न्यू ग्रोथ जो है स्टार्ट हुई है। स्प्रिंग तक ये पूरा हरा हो जाएगा, तो इस समय क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है तो आप इसकी 6-6 इंच की कटिंग लेकर के और किसी भी पॉट के अंदर इसकी स्टेम्स को मिट्टी के अंदर 2 नॉड एरिया दबाएं और गिलोय के पौधे तैयार करें। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये पत्थर चट्टे का, जो मेडिसिनल वैल्यूज़ भी रखता है। पथरी के बीमारी के अंदर इसका एक पत्ता पीसकर
सवेरे सवेरे अगर पिया जाए तो पथरी की शिकायत दूर होती है। और इसे भी आप स्टेम कटिंग से इस वक्त लगा सकते हैं। साथ ही नीचे से देखिए, ये इसके नए नए जो हैं बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इनको डिवाइड करके भी आप बहुत से प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक लीफ के द्वारा भी इसके अंदर जो है नए प्लांट बन जाते हैं। देखिए, ये एक लीफ पड़ी है और इस लीफ के किनारे से जहाँ ये कटिंग्स होती है वहीं से नए बेबी प्लांट उगाते हैं। तो इस तरह से भी आप इनके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है कॉलियस, जो कि आपकी गार्डन के अंदर जब फूलों की कमी होती है तो बहुत ही रंग बिखेरता है और इसकी बहुत सी कलर वेरिएशन के अंदर कॉलियस आती है, जो आपके गार्डन को बेहद खूबसूरत लुक देता है। तो इस समय आप इसकी भी कोई भी 4 इंच की टिप वाली कटिंग लेकर लगाएं और नए नए प्लांट्स जो हैं तैयार करें। लिस्ट में अगला प्लांट है विंका। देशी विंका हो या हाइब्रिड विंका, समर्स के अंदर बेहद खूबसूरत फूल देते हैं, बहुत ही इजी टू ग्रो एंड इजी टू मेंटेनेंस होते हैं। सीड्स के द्वारा भी ये इजीली प्रोपेगेट होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें स्टेम के द्वारा लगाएं तो हमारे प्लांट बहुत ही जल्दी तैयार होते हैं। तो आप इस वक्त विंका को भी कटिंग से अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया। मैक्सिकन पिटूनिया जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है फ्लावर्स देता है और आप इसकी भी कोई भी टिप वाली 4 इंच की कटिंग लेकर 2 नोड एरिया मिट्टी में दबाएं और न्यू प्लांट्स ऐड करें और पूरे समर्स बेहद खूबसूरत इसके फ्लावर प्राप्त करें। और लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है डायंथस का, जो कई कलर्स में पाया जाता है और लगभग पूरे साल ही फ्लावरिंग करता है। इसकी भी आप नई जो शूट्स निकलती है जिसके अंदर फ्लावर नहीं हो या किसी तरह की बड नहीं हो, उसे आप कट करें 2.5 से 3 इंच की और मिट्टी में 2 नोड एरिया इसके दबा दें, तो इससे नए प्लांट्स जो है वो तैयार हो जाते हैं। देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग लगाई है और 10 दिनों के अंदर इससे नया प्लांट तैयार हो गया है। लिस्ट में हमारा नेक्स्ट प्लांट है ये बेबी टियर का। बेहद खूबसूरत लगता है ये प्लांट और गार्डन में बहुत अच्छी ग्रीनरी ऐड करता है। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग्स लगा करके आप नए प्लांट तैयार कर सकते हो। देखिए, ये मैंने इस प्लास्टिक बोतल के अंदर इसकी कटिंग्स लगाई हैं और सारी की सारी कटिंग्स जो है वो चल रही हैं अच्छे से। लिस्ट में नेक्स्ट प्लांट है ये पिटूनिया का है। इसकी भी हम कटिंग से इसे इजीली जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं। मैंने भी इसकी कुछ कटिंग्स लगाई हैं, ये देखिए, ये मैंने इसकी कटिंग लगाई है और इसके अंदर जो है फ्लावर बड भी आ चुके हैं।